ये पूरा स्क्वाड एलिमिनेशन उन्होंने वहां पर कर दिया एंड वो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। आरी स्पोर्ट्स स्टिल सरवाइविंग, वो जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वो हमें साफ साफ देखने को मिलता हुआ। बात करें स्काईलाइट गेमिंग की, 7 फिनिशर्स निकाले, जादू, एक बुलेट अगर वहां पर कनेक्ट होती है वो हमें इंस्टेंटली टेकडाउन करते हुए नजर आ सकते हैं। बट वहां पर उन्होंने अपने आप को हील कराए, जो व्हीकल है फिलहाल अभी उनका शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। स्काईलाइट गेमिंग स्टिल दे आर हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग हैंड ऑन दिस मैच बिकॉज चारों के चारों प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं। टीम एक्सो से एकमात्र खिलाड़ी पंक हमें देखने को मिल जाएंगे, टीम रेवरेंट के 3 खिलाड़ी एंड पीछे जादू। अगला जोन कहां जाएगा वो एक बड़ा सवाल। अगला जोन इसी एरिया के अराउंड ही होना चाहिए, आई मीन घर तो रहने चाहिए, एक एयर ड्रॉप ऊपर है, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, किसी का ध्यान नहीं जाएगा, किसी को चाहिए नहीं, चाहिए तो वो है एक चिकन डिनर। यहां पर इन चारों टीमों की अगर हम लोग बात करें, स्काईलाइट्स के प्लेयर्स दे आर देयर बट द सर्कल इज नॉट विद देम, उनको अब आगे मूव करना है, उनको भेदना है ये चक्रव्यूह जो बिल्कुल सामने की तरफ को उनको नजर आएगा। वहीं पर जादू भी नजर आ रहे हैं लेकिन जो स्मोक है दैट इज जस्ट अ बेट, उस स्मोक के अराउंड यहां पर शॉट्स लिए जा रहे हैं, आपके आपकी गोलियां कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। बट आगे कैसे जाएंगे, रेवेनेंट के ऑनकोर को देखिए, ही इज रेडी, वो टीपीपी एंगल्स लेते हुए एग्जैक्टली वहां पर उनको पता है कि एक खिलाड़ी जरूर से मौजूद है। स्काईलाइट गेमिंग अब पूरी कोशिश करेंगे कि आगे कुछ प्रेशर बिल्डअप किया जाए, देखना यह पड़ेगा कि जादू जो है उनका जादू किस तरीके से चलता है, वो यहां पर किस टीम की मुश्किलें बढ़ाएंगे। टीम रेवरेंट की मीनवाइल बात करें जी, उनके पास ऑलरेडी कंपाउंड है, वो कंपाउंड छोड़ के एक स्मोक किया गया और वो थोड़ा ओपन में जाएंगे। जादू की पोजीशन फिलहाल रिवील्ड है बट स्मोक एक बार फिर से उनको बचाता हुआ जरूर से नजर आएगा। मात्र 8 सेकंड का टाइम बचता है, उसके बाद जो जोन का शिफ्ट है वो भी हमें, इनफैक्ट श्रिंक जो है पूरी तरीके से वो हमें देखने को मिलेगा। टीम स्काईलाइट गेमिंग को जाना पड़ेगा अभी के लिए जोन के अंदर। मीनवाइल अगर हम बात करें वहां पे टीम रेवेनेंट की, वो ऑलरेडी आगे जा रहे हैं बट टेस्टर को वापस स्पॉट करके डाउन किया जाएगा, ये एक बड़ा ब्लो जरूर से साबित हो सकता है। लेट्स सी यहां पे क्या होने वाला है। ग्रेनेड का यहां पर इस्तेमाल आएगा, पंग जो कि लास्ट मैन स्टैंडिंग थे उनका भी एलिमिनेशन आएगा, टीम एक्सो चौथे पायदान पे एलिमिनेट होंगे। नाउ इट्स बिटवीन 3 टीम्स, आरई स्पोर्ट्स, स्काईलाइट एंड रेवेनेंट। किस तरीके से यहां पर फाइट निकल जाएगा आप देखिए, एक नेट से डाउन किया गया था डेस्टो को, एक और नेट यहां पर कुक किया जा रहा था बट सोमराज के हाथ में भी एक नेट, ऐसा लग रहा है वो शायद एक नेट करना चाहते हैं। बट द सर्कल द जोन्स नॉट डिफरेंट, पैराडॉक्स गोस डाउन बाय दैट नेट, दैट वाज अ ब्रिलियंट नेट दैट कैन चेंज एवरीथिंग इन द कोर्स ऑफ टाइम राइट नाउ। सोमराज आगे की तरफ को मूव कर रहे हैं, ये एक चुनौती है जो स्काईलाइट्स को लेनी पड़ेगी, बिल्कुल आगे जाना है, एक फाइट उठानी है, 2 प्लेयर्स को पिक करना और पूरा गेम उनका हो सकता है। घर भाई घर यहां पर जा रहे हैं, एक एक घर को लॉन्ग करके यहां पर जा रहा है, उनको थोड़ा सा पीछे जरूर रहना चाहेंगे स्काईलाइट्स के प्लेयर्स, दे आर रेडी फॉर इट। पैराडॉक्स उनको रिवाइवल मिल चुका है बट अगला जोन ये जो सर्कल है क्लोज इन कर रहा है, जादू वेल इज आउटसाइड द सर्कल और कहीं ना कहीं उनका यहां पर खात्मा होता नजर आ सकता है। वेल नो ही इज हीलिंग बट कितने हील्स हैं इस प्लेयर के पास, वो एक इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। ही हैज नथिंग एल्स, ही हैज नथिंग मोर, जादू वेल यहीं तक का सफर था। एग्जैक्टली आरई स्पोर्ट्स का एलिमिनेशन हमें देखने को मिल जाएगा। नाउ इट्स अ 4v3, इट्स बिटवीन स्काईलाइट गेमिंग एंड टीम रेवेनेंट। लेट्स सी यहां पर क्या होने वाला है। दोनों ही टीम्स अभी के लिए जोन के अंदर जरूर से, कहीं ना कहीं गमला बॉय ने एनकोर को स्पॉट भी करा, उनको पता है कि वहां पर वो जो ब्रोकन वॉल है उसके पीछे कोई ना कोई प्लेयर तो जरूर से मौजूद है। थोड़ा लेट जरूर से करा पुश करने में बिकॉज अब वो जो एक खिलाड़ी था उनको रिवाइव जरूर से मिल चुका है। स्काईलाइट गेमिंग अब वो आगे की तरफ पुश करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको पता है कि उनके पास मैन एडवांटेज देना ही वाला है एंड लेट्स सी कि रेवेनेंट का वो जो एक खिलाड़ी हमें इस कंपाउंड में देखने को मिल रहा है वो यहां पर कितना इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करने वाला है। वेल यहां पर जोन जो है वो भी मात्र 33 सेकंड के अंदर श्रिंक होने वाला है, तो जो भी करना है वो अगले 33 सेकंड के अंदर ही करना पड़ेगा। गमला बॉय को आप देखो वो पूरी तरीके से एक ऑफ गार्ड एंगल क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं। टीम रेवेनेंट ट्रिगर कंट्रोल हमें उनकी साइड से देखने को मिलते हुए बिल्कुल भी मूवमेंट जो है वो आ नहीं रहा है एंड वेल दे ऑल आर वेटिंग फॉर द फाइनल सेकंड्स एंड लेट्स सी वो किस तरीके से आगे जाते हुए नजर आते हैं। पहली ओपनिंग नॉक यहां पर कौन सी टीम निकालती है वो यहां पर उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करने वाला है। टॉप डॉग अभी भी ऊपर की तरफ मौजूद है, उनकी जो पोजीशन है वो रिलीज है बट स्टिल आई डोंट थिंक कि यहां पर अभी के लिए कुछ होने वाला है। बट अब जो जोन का श्रिंक है वो आएगा, टीम रेवेनेंट हैव टू मूव इनसाइड द सर्कल, टीम स्काईलाइट गेमिंग वेल दे आर ऑलरेडी इनसाइड द सर्कल। पहला ओपनिंग नॉक उस पे सब कुछ डिपेंड करेगा। थोड़ी देर में प्लेयर्स को वो अंदर की तरफ की मूवमेंट रेवेनेंट के प्लेयर्स को करनी पड़ेगी। टॉप डॉग इज रेडी, वो सीढ़ियों को देख रहे हैं, कोई ऊपर आएगा वो वहीं पर जाएगा, वो वहीं पर गोलियां खाएगा। कहीं ना कहीं ये आखिरी सर्कल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेवेनेंट के प्लेयर्स मैन एडवांटेज नहीं है, स्काईलाइट्स दे हैव इट बट कितनी देर में गोलियां चलाई जा रही है पैराडॉक्स के द्वारा। बट इट स्टिल कम्स डाउन टू वन फाइनल मोमेंट ऑफ कैलकुलेशन बिकॉज टॉप डॉग वो उसी स्टेयर्स को देख रहे हैं अभी तक, ही हैज जस्ट नथिंग एल्स टू डू, उनको बस वो एरिया देखना है, कोई प्लेयर बाहर आया तो पैराडॉक्स और ऑनकोर दोनों पकड़ेंगे।
करेंगे. इट्स टू प्लेयर्स अगेंस्ट द एंटायर स्क्वाड, इट्स थ्री प्लेयर्स एक्चुअली अगेंस्ट द एंटायर स्क्वाड, पर एक प्लेयर घर के अंदर ही है ऑन कोर, ये वेट कर रहे हैं. ये जो आप देख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं एंग्जाइटी है इस प्लेयर के अंदर जो किक इन करती हुई नजर आ रही है. हल्के फुल्के जंप्स, थोड़े बहुत कदम यहां वहां जा रहे, बट ये कदम लड़खड़ाने बिल्कुल नहीं चाहिए. आखिरी सर्कल देवी और सचिनो आने वाला, लेकिन उससे पहले सौम्यराज एक प्लेयर को पिक करते नजर आएंगे, खुद को पीछे की तरफ रखते हुए दिखाई जरूर दे रहे हैं. सौम्यराज को हील करना है, बट वहीं पर बैकअप आज का ऑन कोर बिल्कुल सामने, लेकिन जो नाइन सर्कल एक प्लेयर बचे हुए यहां पर, एक आखिरी प्लेयर स्काईलाइट्स 15 पॉइंट्स के लिए दे आर रशिंग इन. पैनिक रूम में प्लेयर नजर आएंगे पैन करने की कोशिश, बट वेल स्काईलाइट्स गेमिंग gets away the winner chicken dinner for themselves.